मानवता व इंसानियत की मिसाल आए दिन देश भर में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसी कड़ी में दुर्ग में भी मोहम्मद आरिफ अली ने रुपए से भरे पर्स को वापस कर अपनी भावनाएं जताई, साथ ही उक्त व्यक्ति को फोन कर दी जानकारी। किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने के साथ ही मानवता और इंसानियत की मिसाल है आए दिन हमारे सामने आती है। आए दिन हम सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में हुई घटनाओं का पता चलता है। इसी तरह एक वाकया दुर्ग के फरिश्ता चौक स्थित देखने को मिला, जिसके चलते घड़ी दुकान संचालक मोहम्मद आरिफ अली प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान बंद कर जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में एक पर्स पड़ा मिला जिसके अंदर लगभग 9,040 रुपए नगद थे। साथ ही उक्त व्यक्ति जिसका नाम दिनेश देवांगन न्यू पंचशील नगर दुर्ग का मोबाइल नंबर मिला, जिस पर अपनी इंसानियत दिखाते हुए मोहम्मद आरिफ अली ने उस नंबर पर फोन कर दिनेश देवांगन से बात की और पर्स की गुमशुदगी के बारे में चर्चा की, जिससे घबराए दिनेश देवांगन तुरंत ही मौके पर पहुंचकर आसिफ अली से मुलाकात की, उसमें रखे नगद पैसे की जानकारी दी। इसके बाद घड़ी दुकान संचालक आरिफ ने दिनेश देवांगन को पर्स व उसमें रखे पैसों को वापस किया और अपनी मानवता की मिसाल पेश की। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज भी लोगों की इंसानियत जिंदा है। लोग 500,000 रुपए भी लोगों का लौटाते नहीं और झगड़े हो जाते हैं, और आरिफ भाई ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम है। मानवता को देखते हुए कि जो भाई साहब जिनका पर्स घुमा है, अभी इसमें जो पैसा अमाउंट था, हो सकता है कि जरूरत का पैसा हो या किस चीज़ के लिए वो पैसा काम आता है इनका, तो इनको जब आरिफ भाई को पर्स मिला और ये लौटा रहे तो बहुत अच्छा एक अच्छा महसूस हो रहा है कि आज भी जो है मानवता जिंदा है, लोग हंसते हैं और एक दूसरे के लिए मतलब आगे बढ़ करके इस टाइप का जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा। नाम है मेरा, दुकान ऑफ करके जा रहे थे, पान होटल के पास में पर्स मिले, लोगों को खाए, हम वहाँ देखे आसपास कोई नहीं मिला, गए देखे पैसा था, कोई कनेक्टिव भी नहीं उनके पास, एक नंबर मिला, नंबर में कॉल किए, कॉल करे उनका है पर्स, फिर हम बोले देखो कितनी ज़रूरतें रहती है पैसों की इंसान को, किसी का किस काम से ले जा रहा है कोई, इसलिए हमने दिन में हमारे आए कि नहीं जा किसका है उसे वापस। सर वो तो मेरा मालूम ही नहीं था कि कहाँ घूमा है, और एक आवाज़ से कॉल आया है ना, तब मालूम चला कि 25-12 में मेरा पर्स गिरा। सर 9:30 सर, वो तो घर परिवार चलाने के लिए क्या दिक्कत, प्रॉब्लम तो आने ही है सर, खर्चा में घर तो सर वही आज भी है इंसान यार, वही बोल सकता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।